वर्ल्ड फेमस इस्लामिक इंस्टीट्यूट देवबंद का दारुल उलूम, यहां लंबे समय से महिलाओं पर लगे बैन को हटा दिया गया है, यानी महिलाएं अब दारुल उलूम में दाखिल हो सकती हैं, लेकिन कड़े नियमों के साथ। आखिर दारुल उलूम में महिलाओं पर बैन लगा था क्यों, और क्या है वो शर्तें जिनके आधार पर महिलाएं अब प्रवेश कर पाएंगे, इस रिपोर्ट में समझिए। दारुल उलूम देवबंद के मौलाना, उलेमा, धर्म गुरुओं को लड़कियों का रील बनाना कतई पसंद नहीं है। उलेमा ने फरमान जारी किया, दारुल उलूम देवबंद की चौहद्दी के अंदर अगर किसी ने रील बनाई तो खैर नहीं। अब इसे फरमान कहिए या शर्त, मौलाना ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। आमतौर पर देखा गया कि कुछ औरतें ऐसी पाई गई जो उसके अंदर जाकर दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। 17 मई 2024 को महिलाओं और लड़कियों पर दारुल उलूम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक इसलिए लगाई गई थी कि महिलाएं अंदर जाकर वीडियो और रील बनाती थीं, जिससे दारुल उलूम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती थी, लेकिन ये पाबंदी खत्म हो गई। हालांकि ये शर्तों के साथ होगा तय हुआ है। परिसर में एंट्री करने से पहले पहचान बताना होगा, रजिस्टर में पता और मोबाइल नंबर की एंट्री करनी पड़ेगी। इस दौरान वीडियोग्राफी और रील पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अंदर प्रवेश करने वालों को पास जारी किया जाएगा। तो जो भी फ्राइडे आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जनाब हुकूमत के साथ में ये काम किया जाएगा, देखा जाएगा, हुकूमत करा जाएगा, और कानून के पास ये कभी एक एंट्री रहेगी, एक जो है एक जाब्ता हुकूमत के तहत यहाँ काम किया जाएगा। तो जो भी दारुलूम का जो फैसला आया है वो काबिल तारीफ है, अच्छा फैसला है, स्वागत। किसी भी संस्थान को अपने यहाँ शर्त बनाने का हक है। सुरक्षा वजहों से वीडियोग्राफी भी रोकी जा सकती है, लेकिन रील बनाने की रोक सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों, आजकल तो पुरुष भी रील बनाते हैं। रोक हो तो सब पर हो, इजाजत मिले तो सभी को। नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।